Okay, today we are going to discuss about taxonomies of objectives. ठीक है, आप मुझे बताएं, आप में से कोई मुझे बताना पसंद करेगा, खासतौर पे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या होती है, कौन बताएगा? क्लासिफिकेशन. वेरी गुड, चाह गई हैं मिस फातिमा आप, थैंक यू सो मच. टैक्सोनॉमी का मतलब है टू क्लासिफाई, टू ग्रुप डिफरेंट थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. कि जब हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बेस पे कुछ चीज़ों को ग्रुप में इंक्लूड कर दें, उनके ग्रुप्स बना दें, तो दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. अब मिसाल के तौर पे आप लोग कभी जू गए हैं, चिड़ियाघर गए हैं आप लोग? अच्छा, चिड़ियाघर जब आप जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में कपड़ों की अलहदा दुकान होती है, क्रॉकरी की अलहदा दुकान होती है, कॉस्मेटिक्स की अलहदा दुकान होती है, ठीक है? ये सारी उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है चीज़ों की, कि कस्टमर जो हैं वो इजीली अप्रोच कर सकें डिफरेंट थिंग्स को. तो ये जो अलहदा अलहदा दुकानें बनी पड़ी हैं, ये भी टैक्सोनॉमी ऑफ मार्केटिंग है, कि उन्होंने क्लासीफाई कर दिया चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. कि जो क्लोथिंग की चीज़ें हैं, कपड़े की दुकान में सिर्फ आपको कपड़ा मिलेगा, क्रॉकरी की दुकान में आपको सिर्फ क्रॉकरी मिलेगी, क्योंकि उनके करेक्टरिस्टिक्स सेम है, ठीक है? तो जब हम व्हेन वी डिवाइड और क्लासिफाई डिफरेंट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, दिस टर्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. सो हियर वी कैन आल्सो डिवाइड और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और हम ऑब्जेक्टिव्स को भी क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट डोमेन्स. एंड हियर यू कैन सी दैट देयर आर फोर डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स which are established for the development of educational curriculum. ये चार किस्म की क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रही है. आज हमारा मेजर फोकस इसी स्लाइड पे ही होगा, ठीक है? हमारी ज्यादा डिस्कशन इसी स्लाइड पे होगी. इसको आप सिर्फ एक मिनट के लिए गौर से देख लें, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ. जी, तो आपने देख लिया, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर आपके सामने है, और इससे आपकी काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इंशाल्लाह. वी कैन सी दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्टिव्स इनटू फोर मेन कैटेगरीज. हम चार किस्म की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. नंबर वन है कॉग्निटिव डोमेन, नंबर टू है अफेक्टिव डोमेन, नंबर थ्री है साइकोमोटर डोमेन, एंड नंबर फोर इज सोलो टैक्सोनॉमी. ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट भी होंगे, लेकिन मे बी वो कंसेप्ट इतने स्ट्रांग ना हो. इंशाल्लाह अब ये डिस्कशन करने के बाद आपके जो कंसेप्ट हैं अबाउट टैक्सोनॉमीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो मज़ीद अच्छे हो जाएंगे. और आपको एक मैं बात बता दूँ, या आप लिख लें, इट इज़ कन्फर्म दैट वेन वी अटेम्प्ट वेन वी अपियर इन द exam for the post of lecturer education or headmasters by PPSC, most of the questions belong to these domains. ये assessment के questions भी हैं, और ये psychology के भी हैं, और ये curriculum के भी हैं. तो काफ़ी ज़्यादा questions इनमें से बनते हैं. आपने इनको अच्छी तरह understand करना है, और वो घुमा फिर आके questions दें, कोई भी सिचुएशन बना के दें, तो आपको पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्टिव किस डोमेन का है. इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों ने जाना है, ठीक है? तो हियर वी कैन सी दैट वी कैन क्लासिफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू फोर मेजर डोमेन, एंड दीज आर कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और सोलो टैक्सोनॉमी. कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और सोलो टैक्सोनॉमी, ये चार क्लासिफिकेशन हुई हैं.
ये जो पहली है ये है ब्लूम ने दी थी 1956 में। ये आपने याद रखने हैं ऑथर्स के नेम, ब्लूम ने दी थी 1956 में ये कॉग्निटिव डोमेन। क्रैथोल ने दी थी 1964 में। सिम्पसन ने दी थी 1972 में साइकोमोटर डोमेन। बिग्स एंड कॉलेज ने दी 1982 में सोलो टेक्सोनॉमी। कॉग्निटिव डोमेन किसने पेश की? ब्लूम ने 1956 में। अफेक्टिव डोमेन किसने पेश की? क्रैथोल ने 1964 में। साइकोमोटर डोमेन किसने पेश की? सिम्पसन ने 1972 में। सोलो टेक्सोनॉमी किसने पेश की? बिग्स एंड कॉलिंस ने 1982 में। ये आपने ऑथर नेम्स, इनकी डोमेन्स के नाम और ईयर ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इंग्लैंड के लोग थे, इन्होंने ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और करिकुलम डेवलपर थे जिन्होंने ये डोमेन्स पेश की। तो सबसे पहली डोमेन है ब्लूम टेक्सोनमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन दी 1956 में। क्रैथोल ने 1964 में अफेक्टिव डोमेन दी। सिम्पसन ने 1972 में साइकोमोटर डोमेन दी। और बेग्स एंड कॉलेज ने 1982 में सोलो टेक्सोनमी पेश की। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपकी ये सारी चीजें आपके दिमागों में बैठ जाए अच्छी तरह, सो दैट वेन एवर यू नीड दीज थिंग्स यू मे रिकॉल दीज एट द सेम टाइम, ठीक है। एट द स्पॉट आपको ये चीजें रिकॉल हो जाए, इतनी अच्छी चीज तरीके से इनको अपने माइंड में बिठाएं, ठीक है। तो आज के बाद आपने याद रखना है कि टेक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और सोलो टेक्सोनॉमी। कॉग्निटिव डोमेन पेश की 1956 में ब्लूम ने। अफेक्टिव डोमेन पेश की क्रैथोल ने 1964 में। साइकोमोटर डोमेन पेश की सिम्पसन ने 1972 में। और बिग्स एंड कॉलेज ने 1982 में सोलो टेक्सोनॉमी पेश कर दी। अब हम जरा इनके नामों पे गौर करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन को कॉग्निटिव क्यों कहा गया? अफेक्टिव डोमेन को अफेक्टिव क्यों कहा गया? साइकोमोटर डोमेन को साइकोमोटर क्यों कहा गया? और सोलो टेक्सोनॉमी को सोलो क्यों कहा गया, ठीक है। तो अगर हम कॉग्निटिव डोमेन को देखें तो कॉग्निटिव लफ्ज निकला है कॉग्निशन से, माइंड से। इसका मतलब होता है थिंकिंग। जब आप बच्चों की थिंकिंग पे फोकस करते हैं इट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन देयर कॉग्निटिव डोमेन। व्हेन यू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स तो हम इसका मतलब है किसको डील कर रहे हैं? कॉग्निटिव डोमेन को। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज प्रायोरिटी पे हो कि आपने बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करना है या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप करना है तो हमें फिर कॉग्निटिव डोमेन पे जाना पड़ेगा। व्हेन वी वांट टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स देन वी विल एस्टेब्लिश अवर ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डोमेन व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय ब्लूम इन 1956। लेकिन जब आप बच्चों की फीलिंग्स की डेवलपमेंट की बात करें, उनके इमोशंस की बात करें, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें देन वी विल कंसिडर दिस डोमेन विच इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन दैट वॉज प्रेजेंटेड बाय क्रैथोल इन 1964। और जब हम साइकोमोटर एक्टिविटीज की बात करें कि बच्चा जो है वो थिंकिंग भी कर रहा हो और उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो भी डेवलप हो रही हो तो फिर हम साइको मोटर डोमेन की बात करते हैं। मोटर एबिलिटीज क्या होती हैं? जो बच्चे की फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, चलना फिरना उठना बैठना, वो आपको मजीद डिटेल भी बताएंगे, ठीक है। तो जब हमारा मकसद ये है कि बच्चे की साइको भी डेवलप हो और उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी डेवलप हो तो फिर हमें कौन सी डोमेन कंसिडर करनी पड़ेगी? साइको मोटर डोमेन दैट वॉज प्रेजेंटेड बाई सिम्पसन इन 1972। उसके बाद रिसेंटली 1982 में फिर इन सब डोमेन्स के बाद एक और डोमेन आई जिसको कहा गया सोलो टेक्सोनॉमी, ठीक है। और ये किसने प्रेजेंट की थी? बिग्स एंड कॉलिंस। सोलो का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। इसकी मजीद आगे डिटेल हम बताएंगे कि ये सोलो टेक्सोनॉमी किसको डील करती है। फिलहाल आप ये याद रखें कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच मस्ट बी कंसिडर
while establishing the educational objectives for the students. ठीक है, अगर आपने बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज को डील करना है, उनको फोकस करना है, उनको डेवलप करना है, देन वी विल कंसिडर कॉग्निटिव डोमेन. जब फीलिंग्स को डेवलप करना है, इमोशंस को डेवलप करना है, देन वी विल कंसिडर अफेक्टिव डोमेन. जब आपने उनके एक्शंस को, उनकी फिजिकल एबिलिटीज को डील करना है तो साइकोमोटर डोमेन. जब आपने उनकी लर्निंग को डील करना है कि बच्चे लर्न कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं, तो हमें सोलो टैक्सोनॉमी को देखना पड़ेगा. थिंकिंग, फीलिंग्स, एक्शंस, लर्निंग, ये चार चीजें याद रखनी है. थिंकिंग इज कंसर्न्ड विद कॉग्निटिव डोमेन, फीलिंग्स आर कंसर्न्ड विद अफेक्टिव डोमेन, एक्शंस आर कंसर्न्ड विद साइकोमोटर डोमेन, लर्निंग एबिलिटीज आर कंसर्न्ड विद सोलो टैक्सोनॉमी. कॉग्निटिव डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाई ब्लूम इन 1956. Affective domain was presented by Krathol in 1964, and psychomotor domain was presented by Simpson in 1972. Solo taxonomy was presented by Biggs and Collins in 1982. ये अब तक हमने ये चीज़ understand की कि how we can divide or classify objectives into four groups or domains. यहाँ तक आपको बात clear हुई है, तो हम आगे चलेंगे. आप बताएं शावक please. यस सर. जी सर, क्लियर है. ओ भाई, सच सच बताना है. जी सर, क्लियर है. चलो शाबाश, हो गुड, हो गया. देखिए, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो मैंने कल भी आपको कहा था, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एवरीथिंग क्लियर फॉर यू. किसी चीज में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. दिस इज योर राइट. ये हमारा सर, ये जो सर, ये जो सामने जी जी, इनको हम आठ के डिफरेंस से जो है याद रख सकते हैं. पहले तीन जो है, जी जी बताएं. मैंने कहा ये जो साना, इनको हम आठ के डिफरेंस से याद रख सकते हैं, जैसे 1956. ये आपने सही बात कहा, पहले तीन, आठ आठ का डिफरेंस आ रहा है. मैंने तो आज तक गौर ही नहीं किया. 1956, 1964, 1962. जी मैंने अभी किया. क्या बात है, मिस फातिमा के लिए क्लैपिंग कर दें भाई. अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं. अच्छा, मैं आपको बात बताऊं एक, कि ये होते क्या हैं दरअसल, ये कब हमें प्रैक्टिकली नजर आ रहे होते हैं. जब आपके सामने पेपर आ जाता है, या जब आप बच्चों के कोई असेसमेंट करते हैं, बच्चों के टेस्ट लेते हैं, तो आप जो पेपर बनाते हैं उसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन रखने होते हैं. उनके भी लेवल्स होते हैं, वो फिर आगे आपको पता चलेगा कि कॉग्निटिव डोमेन के कौन से लेवल रखने हैं, अफेक्टिव डोमेन के, साइकोमोटर डोमेन के, सोलो टैक्सोनॉमी. आपने जब भी बच्चों की असेसमेंट करनी है तो इन्हीं चार डोमेन का आपने सहारा लेना है, उनकी मुख्तलिफ एबिलिटीज को आपने जज करना है. अगर आप उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को जज करना चाह रहे हैं, असेस करना चाह रहे हैं, तो आपको कॉग्निटिव डोमेन के, कॉग्निटिव डोमेन के ये लेवल्स देखने पड़ेंगे. अगर आप उनकी फीलिंग्स की जजमेंट करना चाह रहे हैं तो अफेक्टिव डोमेन, एक्शंस की जजमेंट करना चाह रहे हैं तो साइकोमोटर डोमेन, लर्निंग की जजमेंट करना चाह रहे हैं तो सोलो टैक्सोनॉमी. ये नाम आपने याद रखने हैं, थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन, लर्निंग. अब नेक्स्ट चीज है कि ये जो थिंकिंग एबिलिटीज है ना, इनके फिर छह लेवल हैं, फीलिंग्स के पांच लेवल हैं, और एक्शंस के सात लेवल हैं, लर्निंग के पांच लेवल हैं. ये आपने बात याद रखनी है, इसको बेशक रट्टा लगाने, इसमें रट्टा लगाने की परमिशन है. देयर आर सिक्स लेवल्स इन थिंकिंग डोमेन, देयर आर फाइव लेवल्स इन फीलिंग्स डोमेन, देयर आर सेवन लेवल्स इन एक्शन डोमेन, देयर आर फाइव लेवल्स इन लर्निंग डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन में छह लेवल हैं, अफेक्टिव डोमेन में पांच लेवल हैं, साइकोमोटर डोमेन में सात लेवल हैं, और सोलो टैक्सोनॉमी में पांच लेवल. ये आप लोगों ने बात याद रखनी है. ये काफी लोग बड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, इनको रिक्वेस्ट है कि 8 बजे का मतलब है 8 बजे. अगर हम लोग इन टाइम ज्वाइन करते हैं तो इट मींस यू मस्ट ज्वाइन एट शार्प 8 PM. ठीक है, इस तरह डिस्टर्बेंस होती है. एनी हो, शफीउल साहब आपने अभी ज्वाइन किया, खैरियत से लेट हो गए आप. सर नेट स्लो होता है इसलिए. क्या चीज स्लो होती है?
सर नेटवर्क स्लो होता है इसलिए लेट ज्वाइन हो जाते हैं हम, चलें। वरना हम 8 बजे से ट्राई कर देते। चलें, इट्स ओके, पर ट्राई किया करें कि इन टाइम ज्वाइन कर लिया करें। एनी हो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 4 डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, और अब तक हमने ये बातें सारी कर ली। अब हमने देखना है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, व्हाट आर द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, व्हाट आर द लेवल ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आज हमारा फोकस इसी पे ही रहेगा। ये आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करना है और हमेशा के लिए याद रखना है। ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो एप्लीकेशन लेवल है ये किस डोमेन से है। नीचे लिखा होगा कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, सोलो टैक्सोनॉमी। तो आप कहेंगे जो एप्लीकेशन लेवल है ये किस डोमेन का है, कॉग्निटिव डोमेन का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स किस डोमेन का लेवल है, तो आपने बता देना है साइकोमोटर डोमेन का। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, दैट वी मस्ट कंसिडर, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस लेवल। इनका ये जो लेवल का ऑर्डर है ना, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। नॉलेज के बाद कंप्रीहेंशन आता है, कंप्रीहेंशन नॉलेज से पहले कभी भी नहीं आ सकता। लेवल चेंज नहीं कर सकते, इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इनका सीक्वेंस आपने चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। नॉलेज पहले नंबर पे है, कंप्रीहेंशन दूसरे नंबर पे, एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एवेल्युएशन। इसी तरह फिर इनके लेवल्स रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजिंग करेक्टराइजिंग, इनका आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स को अरेंज करके बताएं, तो उन्होंने नीचे तरतीब खराब की होती है। तो आपने ये तरतीब एग्जैक्ट आपने क्लिक कर देनी है कि ये पहले नंबर पे नॉलेज है, फिर कंप्रीहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है, फिर एवेल्युएशन। समझ आ रही है ना आपको बात की? हाँ जी, बताएं, समझ आ रही है? जी सर, जी यार, यस सर, बोला करें। सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया, नेटवर्क की बस वजह से ये जूम बार बार कट भी रही है, तो मुझे समझ नहीं कि कौन से टॉपिक है, कॉग्निटिव शफी वाला साहब, मतलब आप पे जुर्माना हो जाए, आपने क्यों लेट क्लास अटेंड किया? नेटवर्क इशू की वजह से सर। यार नेटवर्क, देखें मैं ना पूरा 1 घंटा पहले अपना सिस्टम सेट करके रख लेता हूँ, ताकि आप लोग वेट कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मुनासिब नहीं लगता ना। हाँ सर, बिल्कुल वेट कर रहे हैं। और सर इसी वजह से तो मैंने दूसरे सेम भी प्री किया, टेलनार भी प्री था और जेज भी प्री किया था, कोई मसला ना हो, लेकिन फिर भी दोनों में मसला होता है सर। ओ शफीउल साहब, सर पास तो वाईफाई है, सर मेरे पास वाईफाई है और वो बाकी चीजों में काम करते, लेकिन ये जूम है इस पे काम नहीं करता सर, इस ऐप पे। तो हम और भी क्लासेस लेते हैं इस्लामियात की गूगल मीट पे, तो वो बहुत स्मूथली होता है ना, उधर बहुत स्मूथली क्लासेस हो जाती है। अच्छा ठीक है सर, ये नादिया ने बिल्कुल जबरदस्त बात की, सही बात की। हम 2 साल से क्लास ले रहे हैं गूगल मीट पे, उस पर कोई भी इशू नहीं आता, कभी भी क्लास नहीं डिस्कनेक्ट होती जब तक हम डिस्कनेक्ट ना करें, लेकिन जूम में ये मसला है सर बस। अच्छा शाफी, ये मसला केपीके में है, आपका गिला बचा हो गया, जायज हो गया। चलें ठीक है, इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो मैं आपकी लूंगा ना, वो मैं गूगल मीट पे लूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। उधर स्लाइड शो हो सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलें मैं गूगल मीट की सेटिंग कर लूंगा, कल संडे है इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास हम गूगल मीट पे लेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा होगा। सर स्लाइड्स पर शो हो सकेंगे उस पे? हाँ स्लाइड्स हो जाती हैं शो, फिर सर वो आउटस्टैंडिंग ऐप है वो। चलें ठीक है मिस नादिया, इंशाल्लाह वी विल arrange your class on Google Meet in next class, inshallah. Don't worry. Inshallah, thank you so much. अच्छा शफीउल्लाह साहब, हम बात कर रहे थे कि जब हम educational objectives की बात करते हैं, we have 4 domains of educational objectives,
नंबर वन इज कॉग्निटिव डोमेन विच वॉज प्रेजेंटेड बाई ब्लूम इन 1956. इट बिलोंग्स टू थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स. वेन वी वॉन्ट टू असेस द थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स वी कंसिडर दिस डोमेन. एंड देन अफेक्टिव डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाई क्रैथोल इन 1964. दिस डील्स विद द फीलिंग्स और इमोशनल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स. जब हम चाहते हैं कि हम बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट को चेक करें या उनकी फीलिंग्स का अंदाजा लगाएं, तो फिर हमें अफेक्टिव डोमेन को कंसिडर करना पड़ता है. लेकिन जब हम एक्शंस की बात करें तो साइकोमोटर डोमेन. लेकिन जब लर्निंग की बात की जाए, लर्निंग को कैसे जज करना है कि बच्चों ने कितना लर्न कर लिया है, देन वी विल कंसिडर सोलो टैक्सोनॉमी विच वॉज प्रेजेंटेड बाई बिग्स एंड कॉलेज 1982. मजीद जी आप स्लाइड जब देखेंगे तो इसको आप समझ आ जाएगी. बड़ी ईजी टू अंडरस्टैंड स्लाइड बनी हुई है. अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं फर्स्ट डोमेन की. इसका क्या मतलब है? देयर आर सिक्स लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. छह लेवल आते हैं कॉग्निटिव डोमेन में. नंबर वन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन. आपने इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द ऑर्डर्स ऑफ दीज लेवल्स. नॉलेज पहले नंबर पे है, कॉम्प्रिहेंशन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन, चौथे नंबर पे एनालिसिस, पांचवें नंबर पे सिंथेसिस और छठे नंबर पे वैल्यूएशन. और ये छह के छह जो लेवल हैं, ये बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज को जज करेंगे, फीलिंग्स को जज नहीं करेंगे, एक्शंस को जज नहीं करेंगे, लर्निंग को जज नहीं करेंगे. ये जस्ट उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को या उनकी जो मेमोराइजेशन है उसको डील करेंगे या उनकी थिंकिंग एबिलिटीज को चेक करेंगे. जब आप पेपर बनाते हैं बीइंग ए टीचर, यू मे मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज लेवल. आपकी मर्जी है कि आप नॉलेज लेवल के सवाल बनाएं या कॉम्प्रिहेंशन लेवल के सवाल बनाएं या एप्लीकेशन लेवल के या एनालिसिस के या सिंथेसिस के या वैल्यूएशन के. नाउ वी विल सी, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दीज लेवल मीन. इनका मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंशन का क्या है? एप्लीकेशन का क्या है? एनालिसिस का क्या है? सिंथेसिस का क्या है? एवेल्युएशन का क्या है? ये हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगी, जैसे ये देखें, ये कॉग्निटिव डोमेन पे मुकम्मल है. नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन. इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी अफेक्टिव डोमेन पे. उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी साइकोमोटर डोमेन पे. उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी सोलो टैक्सोनॉमी पे. ठीक है, तो हम अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे. फिलहाल आपने इनके लेवल्स के नेम याद रखने हैं. ठीक है, सर ये डोमेन क्या होता है? वो क्या बातें हैं यार शफीउल साहब, जबरदस्त अच्छा सवाल किया. डोमेन का मतलब है कि एक ग्रुप, एक रेंज ऑफ थिंग्स. ग्रुप जो आपकी ग्रुपिंग होती है ना, उसको डोमेन कहा जाता है. मैंने इनको स्टूडेंट्स को पहले भी क्लियर कर दिया कि जब आप चीजों को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस में उनकी ग्रुपिंग करते हैं तो उनकी डिफरेंट डोमेन्स बन जाती हैं. ये लेवल्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है. ठीक है, अच्छा जी, आज हम क्या कर रहे हैं? आज मैंने आपको ये याद करवा देना है कि व्हाट आर दीज लेवल्स. पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अक्सर कम से कम 15 से 20 सवाल आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के इसी स्लाइड में से आते हैं. ये असेसमेंट में भी आते हैं, ये करिकुलम में भी आते हैं, ये साइकोलॉजी में भी आते हैं. तो ये आज आपने अच्छी तरह इनको रट्टा लगा लेना है ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो. इसकी तरतीब, इनके नाम, ये टोटली रट्टा बेस्ड स्लाइड है. इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट स्लाइड में होगी. इस स्लाइड की हद तक मैं आपको कहूंगा कि ये आप अच्छी तरह याद कर, इसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आज आपने याद करना है कि कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय ब्लूम इन 1956, अफेक्टिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय क्रैथोल इन 1964, साइकोमोटर डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाई सिम्पसन इन 1972, सोलो टैक्सोनॉमी वॉज प्रेजेंटेड बाई बिग्स एंड कॉलेज इन 1982. कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद थिंकिंग एबिलिटीज, अफेक्टिव डोमेन डील्स विद फीलिंग, साइकोमोटर डोमेन डील्स विद एक्शन, सोलो टैक्सोनॉमी डील्स विद लर्निंग.
और इनके फिर आगे लेवल है, देयर आर सिक्स लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, देयर आर फाइव लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, देयर आर सेवन लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन, देयर आर फाइव लेवल्स ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। इनको मिक्स नहीं करना, इनकी तादाद, नंबरिंग, ईयर, नेम, हर चीज आपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। तो अब आप याद कर लें, देयर आर सिक्स लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन विच आर नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, इनका मतलब क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियरेंस होगी। इसके बाद आपकी जो अफेक्टिव डोमेन है उसके लेवल्स हैं पांच, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। देयर आर फाइव लेवल्स इन अफेक्टिव डोमेन, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। एंड व्हाट आर दीज, व्हाट इज मीन्ड बाय दीज लेवल्स, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, फिलहाल सिर्फ आप लोग इनके नाम अच्छी तरह याद कर लें, इनका मतलब क्या है वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। कि जब भी आपको कोई भी सिचुएशन बनाकर दे दी जाएगी, किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा, जितना मर्जी घुमा फिर आके दे देंगे, आप राइट आंसर पे इंशाल्लाह क्लिक करेंगे, इतनी अच्छी क्लियरेंस होगी आपकी। ठीक है, लेकिन फिलहाल इनके अच्छी तरह नाम याद रख लें, इनका नाम और इनके ऑर्डर आपने मिक्स नहीं करना। इसके बाद ये माइक किसका ऑन है बेटा, जल्दी से बताएं, शाबाश, माइक ऑफ कर दें। सर ये बता रही थी कि इनके जो डेट्स है ना, तो इन सब में 8-8 साल का फर्क है इब्तिदाई तीनों में, तो अगर ये बात जहन में रखी जाए तो फिर आसानी। जी बिल्कुल, वो तो बात हो गई, वाकई 8-8 साल का फर्क है, आप याद रख लें, अच्छी बात है। 1956, 1964, 1972, 1982, तो ये ठीक है, आप याद रख लें, इस तरह अगर आप याद रख सकते हैं, वैसे भी याद हो जानी चाहिए चीजें, इतनी मुश्किल नहीं है। देन देयर आर सेवन लेवल्स इन साइकोमोटर, लेवल भी इस तरह से याद रख सकते हैं, 6575। यार बेटा ये अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी याद रखो, मकसद याद रखना है। ठीक है, मैं तो इस तरह कभी भी चीजें मैं इस तरह चीजें कभी भी याद नहीं रखता, हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर माइंड में होनी चाहिए। एनी हाउ हर बंदे का अपना अपना वे होता है, आप याद रख लें, मल्टीप्लाई कर दें, टेबल्स बना दें, जैसे याद कर लें, बरल मकसद याद रखना है। ठीक है, इनके लेवल्स को भी याद रखना है। अब मैंने कहा कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं, अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल हैं, और साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल्स हैं, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडाप्टेशन, ओरिजिनेशन। दीज आर 7 लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। फिर सोलो टैक्सोनॉमी के 5 लेवल्स हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। आप इनके नामों से परेशान बिल्कुल ना हो, ये मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि इनका मतलब क्या है। फिलहाल सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके नाम अच्छी तरह याद कर लें, इनकी तरतीब अच्छी तरह याद कर लें, ये मिक्स नहीं करनी आपने, ये पेपरों में मुफ्त के नंबर हैं, अगर आपने इनकी तरतीब, इनके नाम अच्छी तरह जहन में याद रखे तो। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 कॉग्निटिव डोमेन प्रेजेंटेड बाय ब्लूम इन 1956। नंबर 2 अफेक्टिव डोमेन प्रेजेंटेड बाय क्रैथोल इन 1964। नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन प्रेजेंटेड बाय सिम्पसन इन 1972। सोलो टैक्सोनॉमी प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलिंस इन 1982। Cognitive domain deals with thinking abilities. Affective domain deals with emotional development abilities or feelings. Psychomotor domain deals with actions. Solo taxonomy deals with learning. इसी तरह अगर देखें cognitive domain के 6 levels हैं, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Affective domain के 5 levels हैं, receiving, responding, valuing, organizing, characterizing. Psychomotor domain के 7 levels हैं, perception, set, guided response, mechanism, complex overt response, adaptation, origination. Solo taxonomy जो learning से deal करती है उसके 5 level हैं, pre-structural, unistructural,
मल्टी स्ट्रक्चरल और रिलेशनल और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। यहां तक चीज क्लियर है आपको? यस सर। चले शुक्र है। अब देखिए नीचे देखें एक नोट लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रिवाइज द कॉग्निटिव डोमेन इन 2001। जो कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम ने 1956 में दी थी उसको रिवाइज किया गया 2001 में, और वो एक बंदे ने नहीं बल्कि ढेर सारे साइकोलॉजिस्ट ने चेंज कर दी, और उन्होंने कहा कि इसके जो 6 लेवल्स हैं उनके नेम उन्होंने चेंज किए। जस्ट नंबर 1 नॉलेज को उन्होंने चेंज कर दिया रिमेंबर में, कॉम्प्रिहेंशन को चेंज कर दिया अंडरस्टैंड में, एप्लीकेशन को अप्लाई में कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज में कर दिया। सिर्फ जो पांचवा और छठा था ना उनकी उन्होंने तरतीब चेंज कर दी, एवेल्युएशन को एवेल्युएट करके पांचवें नंबर पे ले आए, सिंथेसिस को क्रिएट करके 6 नंबर पे ले गए। ये कैसे ले गए इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप नाम याद रख लें